मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। इस साल दिवाली है 30 अक्टूबर यानी कि रविवार को। इस दिन पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, और माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होंगी तभी होगी वर्षा घर में धन की। तो इस साल आप माँ लक्ष्मी को किस तरह प्रसन्न करें और क्या है दीपावली का आध्यात्मिक महत्व, तो आइए जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जी आचार्य जी, क्या है दीपावली का आध्यात्मिक महत्व, प्लीज बताइए। जी कहते हैं दीपावली की जो पूजा की जाती है वो आज से नहीं आदिकाल से इसका महत्व है। आदिकाल से पूजाएं की जाती हैं। प्रथम कुछ ऐसे रहस्य हैं, प्रथम बार मैं बताना चाहूँगा, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए तो उसी खुशहाली में और उसी खुशियों को मनाने के लिए जो है दीपावली का त्यौहार पूरे अयोध्या नगरी में दीपक का उत्सव मनाया गया। तो सर्वप्रथम तो वहाँ से शुरू हुआ दीपावली का जो पर्व मनाना, यानी कैसे मनाया जाए, क्यों मनाया जाए, तो शुरुआत इसकी वहाँ से हुई। जी और इस दिन पूजा किस तरह की जाती है दीपावली पर? जी अगर पूजा के बारे में बात करें तो पूजा षोडशोपचार होती है, पंचोपचार होती है, दसोपचार होती है, यानी पांच तरह की पूजा, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दसोपचार, दस तरह की सामग्री को चढ़ाना माता जी को, और षोडशोपचार, सोलह तरह की सामग्रियों को माता जी को चढ़ाना, जैसे कि आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम चा गंधमाल्यानुक्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम चा प्रदक्षिणः पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचारा षोडशा। ये षोडशोपचार पूजाएं जो है होती हैं, ये तीन विधियां पूजा की हैं। आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की मुँह करके और यथा विधि से जैसे भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो। अगर मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा भाई, कुछ लोग ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो सारी सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकते, बहुत से लोग धनी पात्र लोग हैं तो अपने अनुसार वो पूजा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि क्या माता जी को चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, देश कालो संकीर्त्या, आपके पास उस समय उस परिस्थिति में जैसी सामग्री उपलब्ध हो उस सामग्रियों को लेकर के और श्रद्धा भाव के अनुसार माँ को ये सामग्री अर्पण करें, अपनी विधि विधान के अनुसार माँ की पूजा करें, क्योंकि माँ क्या देखती हैं, श्रद्धा और भाव। जी अच्छा आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस दिन माँ महाकाली की पूजा भी होती है, तो कोई खास महत्व है इस पूजा का? इसका खास महत्व मैं बताना चाहूँगा कि महाकाली का पूजन, जो हम लोग पेन की पूजा करते हैं, स्याही की पूजा करते हैं, दावत की पूजा करते हैं, तो उस दिन विशेषकर पेन की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी लेखनी से हम जो हम शब्द लिखें उन शब्दों का महत्व हो, उस लेखनी का महत्व हो, और लेखनी से जो भी चीज़ लिखी जाए उसका इतना विस्तार हो जाए, इतना महत्व हो जाए कि हमारी विद्या, हमारी वाणी और हमारा वो हमारी जो लेखनी है वो सिद्ध हो जाए, तो इसीलिए महाकाली का पूजन उस लेखनी के रूप में किया जाता है। जी अच्छा आचार्य जी, इसे इस रात को मनोकामनाओं को पूर्ण करने की रात महानी कहा जाता है, तो इससे रात व्यापारी किस तरह की पूजा करें? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग जो होते हैं उनके लिए विशेष एक पूजा होती है जो मध्य रात्रि में जो है, मैं समय बता देता हूँ भी, मध्य रात्रि में एक आता है सिंह लगन, तो विशेषकर सिंह लगन की पूजा उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है, व्यापारी वर्ग के लिए वो पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें माँ का माँ लक्ष्मी जी को सर्वप्रथम, अगर धातु की मूर्ति है, पीतल की या चांदी की मूर्ति है या सोने की मूर्ति माँ की है, तो उनको किसी बड़े पात्र में रख करके पंचामृत आदि से स्नान करा करके, गंगा जल से स्नान करा करके, फिर षोडशोपचार पूजन करके और इसके बाद उनके सामने बैठ करके भोग लगा करके बैठ करके और माँ के जो बीज मंत्र हैं उन बीज मंत्रों का स्मरण और ध्यान करते हुए आप जो है समय बिताएं, देखिए कितना आपके जीवन में चमत्कार होता है। आचार्य जी, इस दिन मनोकामनाओं को पूर्ण करने की रात भी माना जाता है, तो व्यापारियों के लिए इस दिन कुछ खास, कोई खास तरह की पूजा ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों? विशेषकर मैं बताना चाहूँगा, विशेषकर मध्य रात्रि में सिंह लग्न की पूजा विशेष महत्वपूर्ण है और विशेष फल प्रदान करने वाली है, क्योंकि माँ का जो वाहन है वो सिंह ही है, तो सिंह में जब लग्न प्रवेश होता है उस लग्न में माँ की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। मैं बताना चाहूँगा थोड़ी सी विधियों के बारे में, अगर चांदी की मूर्ति है या पीतल की मूर्ति है, स्वर्ण की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को किसी पात्र में रख करके उनको पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यानी बूरा से स्नान करा करके, गंगा जल से स्नान करा करके और पुनः गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों से पूजा करने के बाद और वहाँ पर बैठ करके माँ के बीज मंत्रों से स्मरण करते हुए, पाठ करते हुए समय व्यतीत करें,
फिर आप देखिएगा कि जीवन में कैसे चमत्कार होता है, कितना चमत्कार होता है। बने हुए कार्य आपके सारे जो है बन जाते हैं और बिगड़े हुए रुके हुए कार्य सारे और बढ़िया जो है सुचारू रूप से चलने लगते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। अगर कोई विद्या चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो विद्या में बढ़ोतरी होती है। जितने भी आपके जीवन में विघ्न और बाधाएँ हैं सारी समाप्त होती हैं। यही नहीं, नवग्रह जो होते हैं, कहते हैं ग्रहाधीनम जगत्सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, जितने भी ग्रह हैं ग्रहों का जो है दुष्प्रभाव है वह दुष्प्रभाव भी शांत हो जाता है। इतनी बड़ी कृपा माँ की होती है क्योंकि महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी ऐसी देवी हैं सृष्टि के की पालन करता हैं, इनके द्वारा ही सृष्टि में सारे कार्य संपादित होते हैं। अच्छा आचार्य जी, हमने अभी कहा कि ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने की रात होती है, तो अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके पेरेंट्स किस तरह अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं माँ से पूजा अर्चना करके, या लड़की वो खुद किस तरह से क्या कर सकती है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो है वह लड़की जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, विलम्ब हो गया है, आयु लंबी हो गई है और किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा वहाँ भी बहुत विशेष फल प्रदान करती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी विधियाँ होती हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। यह किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि बिना संकल्प के कार्य सफल होता नहीं है ये निश्चित है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा यह कार्य संपादन करवाया जाए तो ये निश्चित है। और ये मैं जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उसका संपादन करवाएंगे इस कार्य को संपूर्ण तरीके से विधि विधान से, तो निश्चित है आपका कार्य बहुत जल्दी से जल्दी सफल हो जाएगा। क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे ही कर्म होते हैं हमारे प्रारब्ध के और संचित कर्म होते हैं, उन कर्मों के प्रभाव से ये हमें जो विलम्ब का समय देखना पड़ता है और कार्य में जो विघ्न बाधाएँ आती हैं वैवाहिक कार्य में इसीलिए आती हैं, तो माँ की कृपा वहाँ भी बड़ी फलीभूत होती है। इस मंत्र को विनियोग और संकल्प पूर्वक अगर इसका जप करवाया जाता है तो निश्चित है कि विवाह का जो विलम्बता है, जो देरी है, वो दूर हो जाएगी और कार्य सिद्ध हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, मैंने सुना है कि इस दिन 1008 सिक्कों से भी पूजा होती है, क्या ये सच है? और अगर है तो क्या है इसके पीछे? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको और हमारे जितने दर्शक हैं उनके सभी के लिए जो प्रश्न है आपका बड़ा मनोभय प्रश्न होगा, बड़ा अच्छा प्रश्न होगा। देखिए, वो सिक्के क्या हैं? सिक्के ही नहीं, वो धन का रूप है, धन देवी हैं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। अगर लक्ष्मी जी की पूजा लक्ष्मी से ही हो तो उसका महत्व तो अपने आप में बढ़ जाएगा। अब माँ के नाम कितने हैं? 1008 नाम संपूर्ण नाम होते हैं। हर एक नामों पर एक सिक्का माँ को अर्पण किया जाए, सिक्का कोई ऐसा नहीं कि 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, या 5 रुपये का हो, या 10 रुपये का, ऐसा कुछ नहीं है। गिनती आपकी बराबर होनी चाहिए और साथ में लाल चावल। लाल चावल कैसे? लाल चावल को रोली से रंग लिया जाए, थोड़ा सा जल और घी डाल करके रंग लिया जाए। इसके बाद लाल चावल और एक सिक्का उठा करके, और जैसे मान लिया छोटा सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह आप जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो इन्हीं नामों से भी आप 1008 बार कर सकते हैं। या अगर किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाते हैं तो 1008 जो अलग अलग नाम हैं उन नामों से आप हर एक बार में, हर एक नाम में माँ को आप अर्पण कर सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है और श्रद्धा भाव से की गई पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। ये मेरी शिक्षा है और यही मेरा कहना है आप लोगों से। जी, धन्यवाद आचार्य जी। इसी के साथ पोल स्काई पर बस इतना ही।